एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपने स्टेपसन को सेड्यूस करने लगती है और फिर बॉयफ्रेंड करता है उसके साथ कुछ ऐसा। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक शॉर्ट फिल्म लुलू। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को रोमांस करते हुए देखते हैं और उनका नाम होता है लुलू और हेनरिक। लुलू एक आर्ट गैलरी की ओनर होती है और हेनरिक होता है उसके सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हेनरिक उसे अपने दूसरे घर ले जाता है जो फ्रांस में होता है। वहाँ पहुँचने के बाद लुलू दोनों के लिए कुकिंग करती है और कुछ देर बाद वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। फिर अगली सुबह लुलू सोकर उठती है और देखती है कि नीचे हेनरिक किसी लड़के से बात कर रहा है। उनके पास जाकर लुलू को पता चलता है कि वो लड़का हेनरिक का बेटा है और वो फिर उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। हेनरिक डेविड से कहता है कि लुलू मुझे आर्ट खरीदने में मदद कर रही है और ये बात लुलू को कुछ अजीब सी लगती है। और फिर हमें पता चलता है कि डेविड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और वो यहाँ पढ़ाई करने आया होता है। ब्रेकफास्ट के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है और हेनरिक लुलू से कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता था कि डेविड यहाँ आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद हेनरिक अपनी रियल वाइफ सोफिया से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि डेविड यहाँ आने वाला है। इतने में हम देखते हैं कि लुलू भी दूसरे फ़ोन से उनकी बातें सुनने लगती है। तो इतने में डेविड लुलू के पीछे आ जाता है और देखता है कि वो उसके मॉम और डैड की बातें सुन रही है। वो उससे कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे यहाँ कैसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ किसी की बातें सुनना अच्छा नहीं माना जाता। ये बात सुनकर लुलू वहाँ से चली जाती है और उसी रात हम उन तीनों को देखते हैं और हेनरिक तीनों के लिए ड्रिंक्स बनाता है। और जब हेनरिक अंदर चला जाता है तो डेविड लुलू को बताता है कि डैड ने मुझे गाड़ी देने का प्रॉमिस किया है अगर मैं तुम्हारे बारे में मॉम को नहीं बताऊं। और लुलू उसकी इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं करती। फिर अगले दिन हम लुलू को लेक के किनारे देखते हैं और इतने में डेविड भी वहाँ आ जाता है। वो डेविड को कोई अटेंशन नहीं देती और डेविड अपनी स्केचिंग वाली बुक निकाल लेता है। और कुछ ही देर बाद लुलू उसके स्केचेस देखने लगती है और उसके काम से काफ़ी इम्प्रेस होती है। फिर वो देखती है कि डेविड ने उसकी भी न्यूड स्केचिंग की हुई है और वो कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं और अच्छे से पोज करती। तो डेविड कहता है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं तुम्हें स्केच कर रहा हूँ तो तुम इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगती। ये सुनकर लुलू काफ़ी इम्प्रेस होती है। और फिर कुछ देर बाद डेविड उससे कहता है कि क्या तुम बोटिंग के लिए मेरे साथ चलोगी। तो लुलू भी उसके साथ जाने को रेडी हो जाती है। वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और लुलू अपना टॉप भी उतार देती है। तो डेविड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम मेरे डैड की सेकंड चॉइस हो। तो वो कहती है कि मैं खुद को फर्स्ट चॉइस मानती हूँ और ये मेरा खुद का फैसला है। ये सुनने के बाद डेविड भी खामोश हो जाता है। और फिर वो दोनों मस्ती करते हुए किनारे तक पहुँच जाते हैं जहाँ हेनरिक भी आ चुका होता है। बाहर आने के बाद वो तीनों एक दूसरे को सनस्क्रीन लगाने लगते हैं। और फिर घर जाकर लुलू हेनरिक से कहती है कि डेविड काफ़ी टैलेंटेड है और उसने मेरे कुछ स्केचेस भी बनाए हैं। तो हेनरिक कहता है कि हाँ, लेकिन स्केचेस नॉर्मल नहीं है क्योंकि उसने तुम्हारे न्यूड स्केचिंग की है। ये सुनकर लुलू हंसने लगती है और कहती है कि उसे लड़कियों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। और फिर कुछ देर बाद हम लुलू को देखते हैं जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और कुछ देर बाद जब डेविड उसके रूम में होता है तो वो लुलू से पूछता है कि तुम 10 साल बाद खुद को कहाँ देखती हो। तो लुलू कहती है कि 10 साल बाद मेरे पास एक विलेज में आर्ट गैलरी होगी और शायद एक बेटी जो तुम्हारी तरह दिखती हो। ये सुनने के बाद जैसे डेविड को कुछ हो जाता है और वो लुलू से कहता है कि मेरे डैड मेरी मॉम को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरी मॉम के नाम पर है और अगर उनका डिवोर्स हुआ तो डैड को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर लुलू थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि वो हेनरिक से प्यार करती थी। और डेविड कहता है कि मेरी डैड की लाइफ में कई सारी लड़कियां आई हैं और लास्ट वाली ने भी यही गलती की थी कि मेरी मॉम को सब कुछ बता दिया था और उसके बाद वो मेरे डैड से कभी नहीं मिली। ये सारी बातें सुनकर लुलू का मूड ख़राब हो जाता है। और जब वो तीनों डिनर कर रहे होते हैं तो लुलू हेनरिक से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो हेनरिक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और लुलू को सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो अपनी चेयर से उठकर म्यूज़िक चला देती है और डेविड के साथ क्लोज डांस करने लगती है। डेविड भी उसे कुछ नहीं कह पाता
और उसके साथ डांस करने लगता है। लूलू जैसे डेविड को सेड्यूस करने लगती है और तभी हेनरी गुस्से में उसे ऊपर ले जाता है। वो दोनों वहाँ झगड़ा करने लगते हैं, जिसके बाद हेनरिक उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और लूलू कुछ नहीं कर पाती। फिर अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं जो लूलू का गाउन पहन रहा होता है और उसकी लिपस्टिक भी लगाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक होमोसेक्सुअल होता है और उसका इंटरेस्ट हमेशा से ही लड़कों में था, लेकिन ये बात वो अपने डैड और दुनिया के डर से किसी को बता नहीं पाता। इतने में उसके डैड और लूलू भी वहाँ आ जाते हैं और उनसे बिना कुछ कहे डेविड वहाँ से चला जाता है। लूलू भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन देखती है कि डेविड एक गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लूलू हेनरिक के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। तो हेनरिक कहता है कि ये उसकी मर्ज़ी है और अब हम दोनों यहाँ अकेले रह पाएंगे। तो लूलू कहती है कि मुझे इस तरह अकेले नहीं रहना था। फिर अगली सुबह हम लूलू को देखते हैं जो डेविड को ढूंढते हुए एक वॉच टावर पर जाती है और वहाँ उसे डेविड भी मिल जाता है। इस जगह के बारे में लूलू को डेविड की स्केचिंग से पता चला होता है और डेविड ने उसे बताया था कि जब भी वो अकेला महसूस करता है तो यहाँ आ जाता है। डेविड अभी भी काफ़ी उदास होता है और लूलू से कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो लूलू कहती है कि हम दोनों को ही ब्रेक चाहिए और उसे अपने साथ एक होटल में ले जाती है, और वहाँ पहुँचने के बाद वो हेनरिक को फ़ोन करके बता देती है कि डेविड मेरे साथ है और मैं उसे स्कूल ड्रॉप कर दूँगी। फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद लूलू डेविड के पास वॉशरूम में जाती है और डेविड वहाँ रो रहा होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो लूलू कहती है कि हम जैसे भी हैं, हम यही चाहते हैं कि हमसे कोई उसी तरह प्यार करे। और फिर अगले सीन में हम लूलू को मार्केट में देखते हैं और वो डेविड के लिए कुछ लड़कियों के कपड़े खरीद कर लाती है। डेविड को वो कपड़े बहुत पसंद आते हैं और फिर उसके बाद लूलू उसका मेकअप भी करवाती है। फिर उसी शाम वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहां डेविड को पता चलता है कि लूलू प्रेग्नेंट है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो खुश नहीं थी, और उसका मूड ठीक करने के लिए डेविड उसके साथ डांस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से होटल जाकर मस्ती करने लगते हैं और फिर एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि लूलू फिर से हेनरिक के पास जाती है और हेनरिक कहता है कि मुझे लगा कि तुम वापस नहीं आओगी। वो कहता है कि देखो, मुझे डॉर में ये मिला है और ये मेरे डैड ने मेरी मॉम को दिया था। वो लूलू को नेकलेस पहनाता है और उसे हक करने के बाद लूलू उसे बताती है कि मैं बस अपना सामान लेने यहाँ आई थी, जिसके बाद लूलू हेनरिक को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, और यहीं हमारी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।